वैसे तो इक्वेशंस अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। इस टॉपिक में हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाता है, कैसे इसका सलूशन फाइंड करना है यानी कि कैसे इसका समाधान फाइंड करना है, ये सब चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। बट इट्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल श्रीम हैप्पी लर्निंग। कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले हम जान लेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दो कॉलम में एक्सप्रेशन और इक्वेशन देख रहे हो। यहाँ पे इक्वेशन में एक अलग बात है जो कि है ये इक्वल टू साइन, और इक्वल टू साइन की वजह से इक्वेशन के दो पार्ट्स बनते हैं और दो साइड्स बनते हैं। एक साइड होता है आरएचएस जिसे कि हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, और एलएचएस जिसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये बात एक्सप्रेशन में नहीं होती है, एक्सप्रेशन का कोई साइड नहीं होता क्योंकि इसमें इक्वल टू साइड कंटेन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लिखूँ 2x² + 5 = 12 तो ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन कंटेन हुआ है, बट इसका पावर है 2, इसलिए ये आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप में। हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो पहले जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन का जो पावर होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे x + 5 = 2 में x का जो पावर है वो है 1, ठीक है। वैसे ही y का जो पावर है वो भी 1 है। तो इस टाइप के जो भी इक्वेशंस होते हैं उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो कोई कोई इक्वेशंस में पावर 3 आएगा तो उसे बोलोगे क्यूबिक इक्वेशन। सो पावर के अकॉर्डिंग इक्वेशन का टाइप चेंज हो जाता है। चलते हैं रूल्स की तरफ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है। वो सिंपल सा रूल है जो कि += - - = +, मल्टीप्लिकेशन = डिवीजन और डिवीजन = मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स आपको यहाँ पे वाइस वर्सा रूल्स को यूज़ करना है। अगर लीनियर इक्वेशन के वन साइड में ++ है तो उसको ट्रांसपोज करने के लिए आपको सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना है। वैसे ही सारे ऑपरेशन को आपको वाइस वर्सा यूज़ करना है। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा है बैलेंसिंग और सिस्टमैटिक मेथड, और तीसरा है ट्रांसपोज मेथड। लेकिन इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड को ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जाता क्योंकि इसमें जब तक हमें सलूशन नहीं मिलता तब तक वेरिएबल का वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। तो ये मेथड लेंदी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ नहीं करते। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक मेथड कैसे यूज़ में लाना है और ट्रांसपोज मेथड कैसे यूज़ में लाना है सलूशन फाइंड करने के लिए। मेथड को सिस्टमैटिक मेथड या बैलेंसिंग मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बैलेंस की तरह काम करता है। जैसे वेइंग मशीन दोनों साइड को बैलेंस रखती है, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों को बैलेंस रखती है। तो इस मेथड में हम लोग उसी रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए इसे बैलेंसिंग मेथड कहा जाता है। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है y + 3 = 10। तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन और मैथमेटिकल साइन जो दिया है उसका अपोजिट ऑपरेशन हम लोग उसके साथ करेंगे। बट इसमें एक रूल आपको फॉलो करना होता है, आपको इक्वेशन का बिना वैल्यू चेंज किए हुए उसमें चेंजेस करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे +3 है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए और इस +3 को एलिमिनेट करने के लिए, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट ऑपरेशन। सो +3 का अपोजिट आता है -3, राइट। अगर +3 को हमें एलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, तब हमें वैल्यू मिलेगा 0। तो इसी रूल का यूज़ करते हुए हम लोग सिस्टमैटिक मेथड से सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बट इसमें अगर हम लोग माइनस 3 करेंगे एक साइड से, तो वही मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें दूसरे साइड में भी करना है, क्योंकि हम ऐसे तो मन से एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, जो भी ऑपरेशन होगा वो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में करेंगे। जैसे अगर हमें यहाँ पे पॉजिटिव 3 को एलिमिनेट करना है तो हम लोग निगेटिव 3 कर रहे हैं, तो निगेटिव 3 हम लोग दोनों साइड में करेंगे। तो इक्वेशन बनेगा y + 3 - 3 = 10 - 3। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों साइड में -3 कर दिया है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा y = 7, क्योंकि पॉजिटिव 3 के साथ तो -3 एलिमिनेट हो रहा है और 10 - 3 हमें मिलेगा y = 7। तो ये हो गया सॉल्यूशन y के लिए और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन y = 7। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 6x = 12। तो यहाँ पे 6 और x में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो है मल्टीप्लिकेशन का। 6 × x = 12। तो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसका अपोजिट ऑपरेशन क्या आता है, उसका अपोजिट ऑपरेशन आता है डिवीजन। तो हमें यहाँ पे 6 को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 6 से डिवाइड करेंगे। तो हमें मिलेगा 6x / 6 = 12 / 6। तो 6 के साथ 6 एलिमिनेट होगा, तो हमें x का वैल्यू मिलेगा x = 2, बिकॉज 6 1s are 6 एंड 6 2s are 12। तो x का वैल्यू मिलेगा 2। बढ़ते हैं ट्रांसपोज मेथड की ओर। ट्रांसपोज मेथड में हमें कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना नहीं होता है, तो उसको हमें क्या करना है, दूसरी साइड में ट्रांसपोज करना होता है और ट्रांसफ़र करना होता है। यहाँ पे आप 3 देख सकते हो, 3 है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है डिवाइजर होता है, ठीक है। तो अगर डिवीजन का ऑपरेशन दिया है, उसका अपोजिट ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम क्या करेंगे, 3 को RHS में ट्रांसफ़र करेंगे और उसका ऑपरेशन भी चेंज करेंगे। तो हमें मिल जाएगा P = 18 × 3। तो P का वैल्यू हमें मिलेगा P = 54। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी टर्म को एलिमिनेट नहीं किया, तो उसे क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है दूसरे साइड में। दूसरा जो एग्जाम्पल है उसके दोनों साइड में आप लोग वेरिएबल देख पा रहे हो। दोनों साइड का जो वेरिएबल है वो सेम ही है, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, वेरिएबल वाले जो टर्म्स है उसको एक साइड में लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको दूसरी साइड में रखेंगे। रूल वही फॉलो होगा जो है साइंस का रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5t एज इट इज़ लिखेंगे, ये 3t जो है इसको लेफ्ट में लेंगे और -3 को राइट में रखेंगे। तो इसके साइंस चेंज हो गए, उसके साइंस अपोजिट साइंस आएंगे, ठीक है। तो 5t - 3t, क्योंकि ये राइट साइड में ऑलरेडी पॉजिटिव 3t है, तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद वो -3t बनेगा। = साइन कैरी करेंगे, -5 को एज इट इज़ उसी साइड में रखेंगे, तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। -3 को हम लोग शिफ्ट करें दूसरे साइड में, तो ये बनेगा +3, ठीक है। तो 5t - 3t हमें मिलेगा 2t = -2, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो 5 - 3 हमें मिलेगा 2 और ग्रेटर नंबर का साइन, तो माइनस साइन का आएगा -2। अब देखो LHS में 2t मिला है हमें, तो हमें क्या करना है, यहाँ से 2 को दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे, तो LHS में सिर्फ वेरिएबल बचेगा। तो ये 2 जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई को जब हम ट्रांसपोज करते हैं वो बन जाता है डिवाइड। तो हमें मिलेगा t = -2 / 2। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें t का वैल्यू मिलेगा t = वन, क्यू माइनस वन हो गया क्योंकि जो न्यूमरेटर में टू है उसका ऑलरेडी साइन माइनस है, तो वो साइन आंसर को आएगा और आंसर मिलेगा टी इज इक्वल्स टू माइनस वन। आई होप कि आपको आज के दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छे से समझ में आए तो लाइक और शेयर कर दो।